आ गया वो। Happy birthday to you. May God bless you. Only getting older, nothing else. जून छठा दो बहन दोनों बचाइए चुप चुप बदमाशी जाता है जो बैग तेरे मुख तुरा अम्बोले खड़ा हो मैं तुरा ले गया फिर गुड मॉर्निंग गाइस हाँ आज है कविता का बर्थडे मैं और जा रहे कविता का केक लेने गए तो ये है अपनी शॉप सनराइज सेशन सेठ जी कितनी कमाई हुई मार्बल लैंड डिसेंट सेठ जी कितनी कमाई हुई आपके भाई बता जाओ कितनी कमाई सेठ जी धंधा कैसे चल रहा आपका धंधा कैसे चल रहा आपका धंधा कैसे चल रहा है आपका अब घंटे में ले आई हूँ मैं दुकानदारों को सेठ जी को इंटरेस्ट भी नहीं होगा बताने में हम लोग बैग लेने आए थे बैग लेके जा रहे हैं इतनी गर्मी है ये देखो ये अपनी शॉप सनराइज फैशन जय श्री कृष्णा तो गाइस हम लोग यहाँ पे कविता के लिए बुके बनाने आए हैं और ये रहे फ्लावर्स ये आर्टिफिशियल है हम लोग रियल बनवा रहे हैं उनको भैया को बोलना है बताया है पिक उनके अकॉर्डिंग बनाना है ये दिखाए एक क्या मैंगो का है दिखाए आम से बनाया हुआ नाइस अच्छा लग रहा है कैसे बस ठीक है आपकी अभी शॉप है ना जोधपुर में कहाँ पर आप बता सकते हैं यहाँ पर आप यूट्यूब चैनल को सदरपुरा सी रोड पे फर्स्ट सी रोड पे सदरपुरा फर्स्ट सी रोड पे इनकी शॉप है फ्लावर्स की आप देख सकते हैं हम हर बार यहीं से लेते हैं काफी अच्छी और वाजिब रेट है इनकी आप बताए कि आप प्रॉपर कहाँ से है आप यहीं रहते हैं या फिर बाहर से आए मैं तो बाहर से आया हूँ वेस्ट बंगाल कलकत्ता से आया हूँ कलकत्ता से ही आए हैं जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कलकत्ता से यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं इसकी वजह क्या आप कलकत्ता से यहाँ क्यों आए कलकत्ता में ही काम क्यों नहीं किया आपने कलकत्ता में ही काम है यहाँ पे अच्छा है काम इसीलिए यहाँ पे आ गया है अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स इनका अच्छा है यहाँ पे गिराकी ज्यादा है एज कम्पेयर टू कलकत्ता अच्छा आपका शुभ नाम क्या वहाँ पे बता सकते हैं मेरा नाम है चंदन प्यारे चंदन प्यारे चंदन कर चंदन कर इनका नाम है आप मेरे हिसाब से बंगाली है हाँ बंगाली अच्छा बंगाली है कलकत्ता से आए हैं आप देख सकते हैं जोधपुर में यहाँ पे काम कर रहे शॉप किए हुए ये शॉप आपकी रेंट पर है या फिर आप खुद की है रेंट पे अच्छा इनकी ये शॉप है ना जो रेंट पर है ये रेंट पे यहाँ पे चलाते हैं और फिर यहाँ पे ये लोग सेल करते हैं बना बना के देख सकते हैं यहाँ पे ये बन रहा है ये भैया है ये बना रहे फूल हमारे लिए आज बर्थडे है सिस्टर का फालतू का बर्थडे है इसके लिए फूल बना रहे हैं कितने साल हो गए आप यहाँ पे ये दुकान लगाई हुई है यहाँ पे 22 साल हो गए जोधपुर में जोधपुर में 22 साल हो गए ये यहाँ के शॉप लेके बैठे कोई आपको तंग वगैरह तो नहीं करता नहीं नहीं कोई तंग कोई तंग नहीं करता कि आप बाहर क्या हो यहाँ क्यों आए हो आप ना ऐसा कुछ नहीं अच्छा बाकी आपका काम वगैरह तो सेट है अच्छा हाँ काम है अच्छा चल रहा है अच्छा चल रहा है आप मुझे एक बात बताए आप अगर कंफर्टेबल हो तो बता सके इसका किराया कितना आपकी शॉप का किराया अभी है 25,000 किराया इसका
25,000 सरदारपुरा सी रोड मेन रोड पर 25,000 रुपए कोई ज्यादा किराया नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम खुद 20,000 रुपए देते हैं। हमारी जो शॉप है ना, हमारी खुद की जो डिलीवरी पे शॉप है, वो भी लोकल एरिया में। यहाँ पे सरदारपुर में 25,000 रुपए रेट तो काफी सही मिल गया आपको। काफी पुराना है ना, 22 साल से बैठा है ना, इसलिए रेट कम। अच्छा, 22 साल से ये यहाँ पे बैठे हैं इसीलिए इनकी रेट कम है। और ये भैया कौन है आपके यहाँ पे, साथ लेके आया है कोलकाता से? कोलकाता से आया है। अच्छा, ये भी कोलकाता से है। आपका शुभ नाम भैया? अंशुल प्रमाण। आपकी उम्र क्या है? 19 प्लस इनकी उम्र है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये लोग बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर्स बनाते हैं। ये इतनी कम उम्र में यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, अपने घर को सहारा दे रहे हैं। ये आपके कौन, कोई रिश्तेदार है या फिर आपको कोई दोस्त, किस पहचान से इसको लाया आप? ये एक्चुअली रिश्तेदार की माफी है। अच्छा, पास में है, रिश्तेदार की माफी क्या है? अच्छा, पास के रिश्तेदार है इनके, देख सकते हैं आप यहाँ पे इनकी शॉप, एक बार आप दिखा दीजिए। मैं तो कहता हूँ आप जब भी फ्लावर्स लेना हो तो यहीं विजिट करें, काफी अच्छा भैया का व्यवहार है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, रेट भी काफी सही है। मैं हर बार यहीं आता हूँ। बैक स्टोरी बता सकते हैं आपको यहाँ पे आने की प्रेरणा किससे मिली, आपको किसी ने बताया या फिर आप खुद यहाँ पे जोधपुर में, इसका रीजन क्या था? भैया जोधपुर में मैं नौकरी किया था। अच्छा, जोधपुर में इन्होंने पहले नौकरी की थी, कितने साल नौकरी की थी? नौकरी किया था मैं, 1 साल किया था यहाँ पे जोधपुर का। अच्छा, 1 साल, वो साल बता सकते कौन सा साल था? इतना तो नहीं मालूम है। अच्छा, 22 साल आप लेस कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पे क्या काम करते थे, वो 1 साल के लिए आपने क्या काम किया? इसी के फूलों का ही काम करता। अच्छा, किसी के अंदर काम कर रहे थे? हाँ जी, किसी के अंदर काम कर रहे थे। पहले नौकरी करता था किसी के पास। अच्छा, उसके बाद धंधा लगाया यहाँ पे। अच्छा, फिर 1 साल बाद आपकी प्रेरणा मिली, आप खुद का बिजनेस हो गया, आपने खुद का चालू किया? खुद का चालू किया 1 साल का माल। अच्छा, आप ये डायरेक्ट जाके लेते हैं या फिर कॉल पे? नहीं, कॉल पे आ जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, कॉल से कुरियर से ये लोग मंगा देते हैं और फिर यहाँ पे बेचते हैं, सही है। और मुझे एक बात बताए, आप यहाँ पे खाली ये छोटे मोटे फूल बेचते हैं या फिर आप डेकोरेशन वगैरह भी करते हैं शादी ब्याह बर्थडे के लिए? आप एक बार ऑडियंस को बताएंगे ताकि हमारे ऑडियंस भी आपके पास आ सके आपकी डेकोरेशन के लिए? शादी का डेकोरेशन, शादी का बरमाला, ज्वेलरी सेट, इससे सभी बनाते हैं। शादी का डेकोरेशन का भी काम करते हैं। अच्छा, A to Z इनका काम है। काम में इनका बहुत मेरे को अच्छा लगा, सटीक काम है, साफ सुथरा काम है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, आपका बर्थडे हो या फिर किसी की शादी हो या फिर कोई बेबी शावर हो, आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा भैया का व्यवहार है। मैं तो गदगद हो गया भैया को देख के, और इनकी इतनी छोटी उम्र में ये काम कर रहे हैं, मैं नमन करता हूँ। तो अब हम केक लेने आए बेकआउट पे, यहाँ पे केक कस्टमाइजेशन कराया था। आप अपना प्रॉपर एड्रेस दीजिए कॉल कर, ताकि हमें ऑडियंस को पता चले आपकी शॉप कहाँ है। सर्कल बैकआउट बैकरी। अच्छा, बैकआउट। भैया यहाँ पे क्या क्या मिलता है? क्या क्या केक मिलता है, स्नैक मिलता है, और मॉकटेल मिलते हैं, आइसक्रीम मिलता है। और 500 रुपए मिलते हैं यहाँ पे भैया। यहाँ पे बहुत शर्मा रहे हैं, आप देख सकते हैं भैया की ऐसी नहीं दिख रही है। भैया तो पिघल गए पूरे। भैया आप थैंक यू सो मच, आपने विचार दिया। और आप एक बार बोल दीजिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बस शेयर करना, कमेंट भी करना। और इन भैया की तो ऐसी नहीं रुक रही है भाई साहब, ये तो हंस हंस के पूरे मुंह तुम्हारे देख लो भैया। ये वाला अच्छा भैया, ये भैया के आप देख सकते हैं कारीगरी, कमाल की कारीगरी है। ये भैया ने कहा वेल ट्रेन्ड है, बहुत साफ काम है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा काम किया हुआ है भैया ने, देखने से लगता नहीं इन भैया ने बनाया। वाओ, सो प्रिटी सी। आज यार भैया को वीडियो नहीं कर रहा है, वीडियो में बना जो है आज लगभग लग जाओ। देखो यार केक आप देख सकते हैं भैया ने बनाया, नहीं देखा बना हुआ, और यही का बना हुआ है। अरे वो पेज नंबर
ये भैया के आप देख सकते हैं टैलेंट कितना अच्छा बनाया है भैया ने। खाना आ गया यहाँ पर, ये सैंडविच है जो कि 130 का है, मैंने टेस्ट किया नॉर्मल है। अब ट्राई करते हैं ये पनीर काठे रोल जो पनीर से बना हुआ है, पनीर और इसमें स्टफिंग है वेजिटेबल्स की, छोटा ही दिया है, काफी स्पाइसी भी है, 190 का है, आप देख सकते हैं सिर्फ ये दो दिए, काफी छोटा है। और इसके साथ ये ग्रीन चटनी है, लेट्स चेक इट आउट। और ये देख सकते हो यहाँ कौन बड़ा ये सैंडविच है, पनीर रोल जो मैंने ट्राई किया है 190 का, टेस्ट ठीक है नॉर्मल है, यहाँ पे चिकन के साथ ठीक अच्छा है। और ये सैंडविच है सैंडविच हमने मंगाया था 130 का, प्रेजेंटेशन काफी अच्छी है, चेक करते हैं। ये ना आपको सैंडविच रोल को मैं दूंगा 10 में से एवरेज है। Is it worth the price? अपना खाना रिव्यू कर रहे हैं और यहाँ पे कब तक फोटोशूट चल रहा है, मोस्ट हो गया फोटोशूट, पीछे गाने चल रहे हैं, होप सो कॉपीराइट ना आए। सो गाइस हमने ऑर्डर किया है स्ट्रॉबेरी बबल गम फ्लेवर शेक, लेट्स डू दिस। एंड इसका प्राइस 300। जॉम्बी क्या नाम है, ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, यू मस्ट ट्राई दिस प्लेस, अच्छा और स्पेशल शेक्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बेवरेज भी अच्छे हैं, और आई लाइक नो शेक्स। जय श्री राम, जय श्री राम। आपका शुभ नाम? शांतनु। शांतनु जी हमारे साथ आ गए हैं, हम कैफे का रिव्यू लेना है, या फिर आप मुझे बता सकते हैं कि इसके कोई चार्जेस है या फिर ये तो फ्री है? अच्छा आप डेली आते कस्टमर, इसलिए आपसे चार्जेस नहीं ले रहे, आप ओवरऑल रिव्यू क्या देंगे? यहाँ का डोसा पिज्जा सैंडविच सभी बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, कॉपरेटिव बहुत कॉपरेटिव है। भैया तो भैया ने तो 10 में से 10 स्टार दिए, अब इन भैया को ये कितना जाएगा? आपका सुनना निखिल सिंह यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, आप इसका और भी कितने देंगे? 10 में से आप कितने स्टार देना चाहेंगे? 10। ये भी 10 में से 10 दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम फर्स्ट टाइम आए हैं, हम भी अपना एक्सपीरियंस लास्ट में बताएंगे, कुछ और उनसे भी बात करेंगे। ये तो खेल आता नहीं है, बट लोग यहाँ पे खेलते हैं, सॉकर वगैरह जो खेलते हैं, बहुत ही कूल भी एंड अच्छी प्लेस यू कैन विजिट, एंड और अच्छा है टाइम स्पेंड करके फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग के लिए। इवन यू के साथ भी बहुत चीज हो गई है, कितनी चार्ज एट ऑल, कोई चार्जेस नहीं। यहाँ पे बर्थडे के लिए आप बना सकते हैं, यहाँ पे लाइट्स चालू कर देगा आपके लिए, बलून और ये सब कुछ लाइट्स भी लगी हुई है। लेट्स गो, चलते हैं घर, बहुत टाइम हो गया, इट्स बीन 5 o'clock और हम लोग आए हुए थे 3 बजे के, 2 घंटे हो गए हम लोगों को। लेट्स गो। तो गाइस अपना सब कुछ हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं घर, दिस इज वाज द कैफे, द अरेबिक कैफे, डू विजिट दिस प्लेस। Happy birthday dear Kavita।
प्रैंकस्टर आया था।